विद्यार्थी वन मित्र योजना के लिए इस वर्ष 1 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी स्कूल परिसर के आसपास पौधे लगाएंगे। पौधे लगाने के बाद विद्यार्थी ही इन पौधों की देखभाल करेंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी स्कूल परिसर के आसपास ही 5-5 पौधे लगाएंगे। इस योजना के सफल बनाने के लिए स्कूलों की अहम भूमिका रहेगी। स्कूलों में विद्यार्थियों को इस बारे में जागरूक भी किया जाएगा। विभाग की ये योजना पेड़ों की संख्या में वृद्धि करने का कार्य करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब विभाग ने विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की ओर से 5-5 पौधे लगाने का निर्णय लिया है। विभाग की ये योजना बच्चों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। विद्यार्थियों को वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इस संदर्भ में हमीरपुर DFO प्रीति भंडारी ने बताया कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वन मित्र योजना अभी सितंबर में ये जो है नोटिफाई की गई है। बेसिकली इस योजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चों में जागरूकता लेके आना फॉरेस्ट के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति, कि उनको अवेयर करना और उनको इनकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के साथ जोड़ना, ये इसका मेन लक्ष्य है इस पॉलिसी का। गया कि जितने भी स्कूल जहाँ पे इको क्लब जो है वो है, एस्टेब्लिश्ड है, वो सारे स्कूल इसका पार्ट बन सकते हैं। और इस पॉलिसी के तहत ये भी बताया गया है कि जिन स्कूलों में इको क्लब जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं बना हुआ, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको बोलने के लिए कि वो भी अपने स्कूलों में इको क्लब एस्टेब्लिश करें। तो इस तरह से जो भी स्कूल इंटरेस्टेड होगा इस योजना में सम्मिलित होने के लिए, उन सबको इसमें इसका एक जो है वो अभिन्न अंग जो है वो बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है तो एक जो बच्चा है वो 5 पौधे तक लगा सकता है। और प्लांट्स जो है वो औषधीय पौधे हो गए या वहां की जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वहां पे प्लांट्स लगाएंगे। इस तरह के पौधे लगाने का भी हमारा विचार है। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए हमीरपुर जिला में हमने 5 हेक्टेयर का ऐसा एरिया जो है वो चयनित किया है। तो उसमें हमारे लगभग कोई 4 स्कूल हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हमारे रेंजर्स जो है, फॉरेस्ट रेंजर्स, उनमें ये एरिया जो है वो बांटे गए हैं। इसमें स्कूल, कोई भी स्कूल जो है वो कर सकता है जिसमें इको क्लब हो। अभी तो ये हमारा मेन वो है।